हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 7 की, जो कि है इवोल्यूशन। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसके हम आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे वो क्वेश्चन को किया है वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 है, वो है लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एट प्रेजेंट बिकॉज, यानी जो लाइफ है वो अब इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं ओरिजिनेट हो सकती इस टाइम, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि क्यों नहीं हो सकती है जो है लाइफ ओरिजिनेट इनऑर्गेनिक मटेरियल से आज के दौर में। तो जो ऑप्शंस है हमारे पास वो हैं हाई डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। ऑप्शन बी है वेरी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन सी है अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो ऑक्सीजन की मात्रा है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन डी है अब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, वो अब नहीं है, वो इस आज के दौर में अब्सेंट है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस वजह से आज के दौर में जो लाइफ है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ओरिजिनेट नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग गैस। जो ऑक्सीजन होती है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग गैस होती है, जो कि किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल को बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज कर देती है। और आज के दौर में एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिस वजह से कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल हो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब इनऑर्गेनिक मटेरियल ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से आज के दौर में कोई भी लाइफ ओरिजिनेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से आज के दौर में लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज के दौर में हम एटमोसफेयर में, हमारे वातावरण में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो प्रीवियस, जो एंशियंट लाइफ थी, जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी इनऑर्गेनिक मटेरियल से, तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। तो जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते थे, इस वजह से लाइफ ओरिजिनेट होने में बहुत ही आसानी हुई। और एंशियंट टाइम में, पहले के टाइम में, लाइफ ओरिजिनेट भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही हुई थी।